तो हेलो गेमर बडीज, क्या हाल चाल। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेशन हो चुका था और उससे आगे की प्रोग्रेशन करने के लिए मैं आ चुका था हमारे थर्ड एपिसोड के अंदर। तो थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में मैं करने लग जाता हूँ कुछ, थोड़ी सी फसल उगाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे फसल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली थी हमारे इस वाले एपिसोड के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ क्रॉप्स को उगाता हूँ और क्रॉप्स उगाने के बाद और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं ब्रीड कराने, क्योंकि मेरे को अगला काम यही करना है, क्योंकि मेरे को चाहिए लेदर बहुत सारा। तो उसके लिए मेरे को बहुत सारी गाय माननी पड़ेंगी। तो यहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा ब्रीड कराने के बाद इन गायों को मारता हूँ और इनसे काफ़ी ज़्यादा लेदर लेने की कोशिश करता हूँ, और उनसे जो मेरे को खाना मिलता है उसको मैं पकने के लिए डाल देता हूँ। और पकने के बाद मैं यहाँ पे चले जाता हूँ अपने शुगर केन फार्म से शुगर केन तोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारा पेपर भी चाहिए, क्योंकि बुक पेपर से ही बनेगी। तो यहाँ पे बहुत सारा शुगर केन मैं तोड़ना शुरू कर देता हूँ। तो वैसे शुगर केन तोड़ते तोड़ते हमारे नेदर से एक मेहमान आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अमीर हो रहा था, मतलब सोने की तलवार वाला लेके घूम रहा था। बट इसको इग्नोर करने के बाद मैं चला जाता हूँ अपना बाकी का काम करने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं अपना जो भी है चेस्ट में चेक करता हूँ कि मेरे पास कुछ सामान की कमी तो नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना क्राफ्टिंग टेबल से बनाना स्टार्ट करता हूँ पेपर। तो यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल से मैं पेपर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, और पेपर बनाने के बाद मैं बना लेता हूँ, मेरे पास जितने भी लेदर थे, मेरे पास 29 लेदर थे, तो मैं 29 बुक्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो बहुत सारी बुक्स बनाने के बाद बुक शेल्फ मेरे को बनाने, तो बुक शेल्फ बनाने के लिए मेरे पास लकड़ियाँ नहीं थी। लकड़ियाँ काटने के बाद मैं यहाँ पे बुक शेल्फ बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल इतनी तो बन नहीं पाती, लेकिन मैं जितने भी मेरे से बुक शेल्फ बन पाते हैं मैं उतने बुक शेल्फ बनाता हूँ। और बुक शेल्फ बनाने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने घर पे, और घर पे बुक शेल्फ बनाने के बाद यहाँ पे जो भी खाना मैंने पकने के लिए डाला हुआ था उस खाने को मैं खा लेता हूँ, क्योंकि मेरे हंगर बाद बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। और गाइस, इसके बाद मैं चला जाता हूँ अपनी छत पे, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपनी एन्चेंटमेंट टेबल रख रखा है। तो जितने भी मेरे से बुक शेल्फ बन पाए उस टाइम पे, मेरे पास जो है पूरे के पूरे 9 बुक शेल्फ बन पाए थे उससे, और बाकी के जो भी नहीं बने थे वो मैं मेरे को बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं जितने भी मेरे पास बुक शेल्फ थे 9 बुक शेल्फ, उनको मैं प्लेस करना स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे बुक शेल्फ प्लेस करने के बाद हम आगे की मतलब करना शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे को और भी लेदर चाहिए यहाँ पे। इतने से बुक शेल्फ से हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमको फॉर्चून 3 की एन्चेंटमेंट चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्रॉप उगाता हूँ जिससे मैं अपनी गायों को ब्रीड करूँ, क्योंकि मेरे पर यहाँ पे गायों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीट तोड़ने के बाद और वीट उगाने के बाद मतलब चलते हैं भाई इनको ब्रीड कराने के लिए। तो इनको मैं जल्दी जल्दी से इनको फटाफट फीड करा देता हूँ, जिससे बड़ी हो जाए और मेरे को कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे, आगे की दिक्कत कुछ भी ना हो, जिससे हमारा यहाँ पे चल पाए। तो यहाँ पे मेरे को कुछ लामास दिख जाते हैं, और लामा को मारने से भी लेदर मिल जाता है, इसलिए मैं लामा को मारना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये दोनों लामा को मार देता हूँ, और इनसे मेरे को लेदर मिल जाते हैं, कुछ लेदर मिल जाते हैं इनसे। और फिर मैं आ जाता हूँ अपने जो भी मैंने ब्रीड कराई थी, फीड कराई थी गाय, उनको मारने के लिए, क्योंकि मेरे को अब थोड़े से ही लेदर की ज़रूरत पड़ी बच गई थी, मतलब थोड़े से ही लेदर और चाहिए थे मेरे को, बाकी सारे लेदर तो मेरा हो ही गया था कम्प्लीट ऑलमोस्ट। तो यहाँ से कुछ गायों को मारने के बाद मैं जब वापस चला जाता हूँ अपने घर पर, और वापस से जाने के बाद मैं बना लेता हूँ और कुछ बुक्स, जिससे मैं बना पाऊँ अपने लिए बुक शेल्फ्स। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बाकी के बुक शेल्फ भी बना लेता हूँ, और ये 3 बुक शेल्फ मैंने पहले ही यहाँ पे लगा दिए थे थोड़ी सी और जानवर मारने के बाद। तो यहाँ पे बाकी के बचे हुए 3 बुक शेल्फ भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और बुक शेल्फ लगाने के बाद मेरे को यहाँ पे क्या दिखता है, मैं अपनी फॉर्चून मतलब पिकैक्स को यहाँ रखता हूँ, और मेरे को जो है लेवल मतलब थर्ड यहाँ पे फॉर्चून 3 मिल सकती थी मैं यहाँ पे, तो उसके लिए मेरे को चाहिए थे 28 XP। तो 28 XP करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ गायों को फीड कराता हूँ, जिससे मेरे को थोड़ी सी XP मिल जाए, और पूरी रात मैं जाग के यहाँ पे मॉब्स को मारना मतलब पूरे रात मैं यहाँ पे जाग के मॉब्स को मारता हूँ, जिससे मैं अपनी XP बढ़ा सकूँ।
तो भाई पूरी रात यहाँ पे मॉब्स को मार के और गायों को फीड करा के मेरे पास इनफ एक्सपी हो जाती है, मतलब 28 XP हो जाती है मेरे पास। तो मैं अपनी पिकेक्स में जल्दी से फॉर्चून 3 लगाने के लिए डाल देता हूँ। यहाँ पे लैपिस रखा और यहाँ पे मैं फॉर्चून 3 ले लेता हूँ यहाँ पे अपने लिए। और ये मेरे साथ, मेरे को यहाँ पे फॉर्चून 3 के साथ अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी 4 भी मिल जाती है। तो मैं जल्दी से फटाफट चला जाता हूँ अपने माइन के लिए, क्योंकि मेरे को अपने डायमंड माइन करने हैं जिससे मैं अपने लिए आर्मर को कम्प्लीट कर सकूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मैं देखता हूँ कि हमें हमारा लक कैसा रहता है और हमें कितने डायमंड मिलते हैं। तो पहला माइन करने के बाद यहाँ पे मुझे एक डायमंड जो है दिखता है नीचे की तरफ, और उसको मैं वो पिकअप नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी इन्वेंट्री फुल थी। तो मेरे को एक डायमंड मिलता है मेरी पहली ओवर माइन करने पे मेरे को, तो मैं शायद लकी नहीं था। और यहाँ पे मेरे को दूसरी माइन करने पे मेरे को एक ही डायमंड मिलता है। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये फॉर्चून 3 इसमें काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। और तीसरी ओवर माइन करने पर भी मेरे को एक ही डायमंड मिलता है। तो भाई मेरे को लगता है कि मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे को चाइना की फॉर्चून पकड़ा दी गई है यहाँ पे। और लेकिन फिर मैं बिना कुछ देखे यहाँ पे माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे माइन करते करते मैं एक एंडरमैन को पता नहीं मेरे पे क्यों गुस्सा आ गया था और वो मेरे पीछे बावड़ा हो गया था। तो यहाँ पे मैं जल्दी से फटाफट इसको मार देता हूँ इसको फटाफट से, और अपने डायमंड को पिकअप कर लेता हूँ और बाकी के और जो है उनको माइन करना वापस कंटिन्यू कर देता हूँ। तो इन सभी डायमंड को माइन करने के बाद मेरे पास 21 जो है डायमंड हो गए थे। तो उन 21 डायमंड से मैं अपने लिए आर्मर बनाना कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं अपने लिए चेस्ट प्लेट, पैंट और एक हेलमेट बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा डायमंड नहीं थे कि मैं सारे टूल्स बना पाऊँ। तो ऊपर आने के बाद यहाँ पर मैं फटाफट से अपने आप को थोड़े से डायमंड में कवर करता हूँ, मतलब देखता हूँ कि कैसा लग रहा हूँ इस डायमंड में मैं। और इन सब को मैं जो है एन्चेंटमेंट टेबल पर रख के देखता हूँ कि मेरे को जो है क्या क्या एन्चेंटमेंट इन आर्मर पे मिल सकती है। तो मेरे को काफ़ी अच्छी, मतलब प्रोटेक्शन 3 और बहुत सारी एन्चेंटमेंट दिख रही थी। तो मेरे को ये सारी एन्चेंट करनी थी इन पे, तो इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा XP भी चाहिए थी। तो यहाँ पे पहले मैं अपने आर्मर यहाँ पे रख देता हूँ, एक आर्मर स्टैंड बना देता हूँ, उसके ऊपर मैं अपने आर्मर को यहाँ पे रख देता हूँ। और गाइस फिर मैं चला जाता हूँ अपनी XP बढ़ाने के लिए, फिर से अपने काम पे लग जाता हूँ और यहाँ पे मॉब्स को मारना स्टार्ट कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को चाहिए थे 28 से ज़्यादा XP जिससे मैं अपने एनचेंट आर्मर में थोड़ी बहुत एनचेंटमेंट्स कर सकूँ। तो यहाँ पे पूरी रात यहाँ पे मैं जोम्बी और क्रीपर और स्केलेटन और पता नहीं क्या किस किस मॉब को मारता हूँ। और यहाँ पे मारने के बाद मेरी 28 XP हो जाती है। और यहाँ पे फिर मैं आ जाता हूँ अपने आर्मर को एनचेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी चेस्ट प्लेट में लगा लेता हूँ प्रोटेक्शन 3। प्रोटेक्शन 3 के साथ मेरे को उसमें अनब्रेकिंग मिल जाती है। उसके बाद मैं लगा लेता हूँ अपनी पैंट। पैंट में मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे अपने सेकंड लेवल पे मिल रही थी, मतलब थोड़े कम में ही मेरे को प्रोटेक्शन 3 मिल रही थी। तो यहाँ पे मैंने प्रोटेक्शन 3 लगा ली। और हेलमेट के लिए मेरे को कोई अच्छी एनचेंटमेंट नहीं मिल रही थी और मेरे पास इतने लेवल भी नहीं थे, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और यहाँ पर फिर मैं फसल उगाना स्टार्ट कर देता हूँ। और गाइज़ यहाँ पर फसल उगा रहा था क्योंकि बाकी का काम हो ही चुका था। और यहाँ पर गाइज़ जिस दिन मैं यहाँ पे अपनी यहाँ पे क्रॉप उगा रहा था, तो उस दिन गाइज़ मेरे वर्ल्ड में कुछ हुआ और उस दिन वाली रिकॉर्डिंग आगे चल रही है, तो देखिए गाइज़ उस चीज़ को। ओ ये तो सुपर सोलो वाइटी है, इसको मैं जानता हूँ। हेलो हेलो अरे भाई, हेलो तुम भाई, कौन भाई? क्या कर भाई रहे हो मेरे वर्ल्ड में? क्या कर रहे हो भाई? सेम भाई, तुम मेरे वर्ल्ड में क्या कर रहे हो भाई? ये जीतोगे मेरा मार? सर्वाइवल वर्ल्ड है, मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड। अबे दिखाई नहीं दे रहा भाई, यहाँ पे देखो कितनी प्रोग्रेशन करके बैठा हूँ मैं यहाँ पे। मेरा मेरे घर भी जाके देख लेना कभी भी भाई। अरे ये कैसे कनेक्ट आए कहाँ से यहाँ पे, ये तो बताओ मुझे। ये तुम्हारा माइनिंग का रास्ता है ना, यहाँ पे मैं कनेक्ट हो गया माइनिंग करते करते। हाँ तुम्हारी माइंड मेरे माइंड से कनेक्ट हो गई? अरे भाई हम दोनों का सर्वाइवल वर्ल्ड एक कैसे हो सकता है भाई? पता नहीं क्या हो गया, ये कनेक्ट हो गया वाला अपने आप ही। अरे भाई मैं यहाँ पे माइनिंग करते करते आ रहा हूँ और अचानक से तुम्हारी माइंड मिल गई मेरे को। तभी तो सोचो मेरे वर्ल्ड में थोड़े ग्लिचेस चल रहे थे यहाँ पे, मतलब अरे ये कैसा कैसा देखो वर्ल्ड है तुम्हारा, ये क्या हो रखा है, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं देखा। तो तुम्हारा भी तो वर्ल्ड है, तुम भी तो खेल रहे हो भाई यहाँ अरे पे। देखो ये रोटन फ्लैश भी पड़ा रहता है हमेशा 24 घंटे। अरे घर तो बहुत शानदार बनाया है एकदम। पूरी सर्वाइवल सीरीज में भाई क्या सीन है, ये दोनों की सर्वाइवल सीरीज एक साथ मिक्स कैसे हो गए भाई? भाई साहब सामान भर भर के रखा है घर में, मेरे लेकिन पास लेकिन सामान नहीं। तुम तो बस शील्ड के भरोसे जी रहे हो, ये कैसा है? आयरन मिल नहीं रहा, माइनिंग कर रहा हूँ 2 साल से। ये देखो इस शेप को क्या दौरे पड़ रहे हैं, ये बाउंड्री के चक्कर लगा के देखो इधर आ गई है।
ये घर में आना चाहता है, तुम्हारे हाथ अच्छा में वीट है रहा। अरे वीट की वजह से ये ऊपर क्या है? ओ भाई डायमंड आर्मर मेरे पास तो है भी नहीं, उठा के ले जाऊंगा। अरे भाई 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 दो अभी चल रहा है भाई, प्रोग्रेशन काम चल रहा है यहाँ पे। कितना टाइम लग गया तुमको ये एन्चेंटमेंट टेबल बनाने में? लग गए होंगे 20-30 दिन भाई। वो छोड़ो यार, यहाँ पे दो कनेक्ट साल हो गया भाई वर्ल्ड, वो बहुत बड़ी बात चल रही है इधर भाई, ये पूरे दिन नहीं हो रहा यहाँ पे। तो आप क्या करना है? मैं सोच रहा था कि यहाँ पे विलेज ढूंढूंगा अगले एपिसोड के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है बाकी चीजें करने में, और कुछ समझ ही अरे नहीं आ रुक रहा। जाओ, अरे विलेज विलेज में ही तो मैंने अपना घर बनाया है, तुम चाहे तो देख सकते हो, वो विलेज देखो। तो मुझे तुम अपना घर दिखाने ले जा रहे हो? हाँ देखना है विलेज। चलो भाई चलो, बारिश हो रही है अभी, रात हो गई है, मैं कहता हूँ यही रुक जाता हूँ। भाई फिर बिजली गिर रही है बाहर, सो जाते हैं पहले, नहीं रुक तो जाते हमारे हैं, ऊपर गिर जाएगी, जाने लायक नहीं रहेंगे। सो जाओ भाई। तो ओ दिन हो गया भाई, अगला दिन हो गया, पहली पहली रात हमारे यहाँ पे गुजारने के बाद कैसा लग रहा है आपको? क्रीपर तो नहीं है ना बात लो गेमर बताइए। भाई? भाई भाई पहले तो इधर आ रही है भाई मेरे पीछे, इधर आओ, इधर मेरे भेड़ बकरी मेरे अपनी पीछे आ अपनी रही है माइंड में भाई। आओ, मैं यहाँ ज़ॉम्बी तुम्हारा माइंड में मैं घुसा। लास्ट लास्ट अवे क्रीपर भैया। दिस इज वेरी बेस्ट बैड वाह, क्रीपर। ये हो गया हमारे ब्लू गेमर और क्रीपर का 1v1। और तुम्हारा वाटर बकेट खाली पड़ा हुआ है, एमएलजी करने को उसके और खत्म हो तो अब मैं पानी भर के लेके आता हूँ, रुक जाओ। जल्दी आओ फिर मेरी बन मेरी मेरी बकेट भरी से ज्यादा तो खाली रहती है। अरे फिर मैं भाग जाऊंगा तो रास्ता नहीं मिलेगा। मैं लास्ट एपिसोड में माइनिंग करने तो गया था, मेरे को डायमंड मिले, मैं डायमंड माइन करके बस आ गया। मैं माइनिंग करने गया था, 8 ही डायमंड मिले थे मेरे को, वहां पे डायमंड ही नहीं मिल रहे इतने, आयरन तो बिल्कुल भी नहीं मिला, नहीं तो मैं आर्मर बना लेता अभी तक। आयरन चाहिए? चलो आ जाओ, मैं तुम्हें आयरन देता हूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत आयरन पड़ा हुआ है। पूरा आर्मर बनाना है? पूरा आर्मर तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेरा खुद का आर्मर बिल्कुल टूटने ही वाला है, लगभग जीरो पे है यहाँ पे। थोड़े बहुत सीवी का डिजाइन बहुत अच्छा है मेरे को लग रहा है। यहाँ पे थोड़े बहुत, अरे डायमंड लेके घूम रहे हो तुम तो, अमीर बंदे हो रहे हो पति, गरीबों के अमीर हो तुम। 15 आयरन क्या बनाऊं मैं? चेस्ट प्लेट तो बनी जाएगी, मेरे पूरा इन्वेंट्री भरा हुआ है स्टोन कॉबल स्टोन में। चेस्ट में रख दो जो भी तुम्हें फालतू का सामान रखना है। इस वाले में ये चेस्ट प्लेट भरा हुआ था पूरा माइनिंग करते करते, बाकी सब तो मैंने उठाया भी नहीं था, पड़ा ही रहने दिया इन्वेंट्री फुल होने के बाद। मैं एक बकेट बना लेता हूँ, नहीं तो लावा गिर गया तो मैं खत्म, टाटा गुड़बाई हो जाएगा। भाई 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 चलो आ जाओ, दिखाओ मुझे अपना घर, दिखाओ विलेज चलो भी, माइन में विलेज भी, वहीं पे रास्ता मिल जाएगा। पानी पानी किधर है? वाटर वाटर समुंदर में पानी। फार्म से निकाल लेता हूँ तुम्हारे। अरे फार्म वार्म से मत निकालो, चलो कोई बात नहीं, अपने घर पे जाके पानी लूंगा, माइन के अंदर कुछ नहीं हो रहा। चलो भाई, भाई मेरी माइंड दू तुम्हारे घर से कनेक्ट हो गई, पता नहीं क्या ही सीन है भाई। चलो अभी अभी देखना नीचे जाके, मैंने बहुत सारे डायमंड को रखे हैं वहां पे, मैंने सोचा कि कुछ डायमंड रखता हूँ अपने पास और पिकेक्स बनाऊंगा, मैं खुद ही भूल गया था किधर है। अच्छा तुमने सोचा कि तुम फॉर्चून 3 करोगे फिर उसके बाद डायमंड माइन करोगे, है ना? हाँ अरे यही सेम चीज मैंने अभी करी है, तभी तो मेरे पास वो डायमंड का आर्मर आ पाया है। डायमंड का आर्मर बनाऊंगा जल्दी। नीला गेमर पूरा का पूरा नीला नीला हो रखा है भाई। अबे यार ओ भाई ये देखो यहाँ से रास्ता है मेरे माइनिंग का आ गया। उस टाइम पे मैंने इस तरफ माइनिंग नहीं करी थी, स्ट्रेट माइनिंग ही करी थी मैंने। जाओ मेरा खाना खत्म हो गया, खाना खा लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे रेड सोन है। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, तुम्हारे घर का रास्ता कहीं और रास्ता नहीं जा रहा, बस सीधा सीधा जा रहा। तुम्हें पता है भाई, हमें नहीं पता। गोल्ड वोल्ड भी है बीच में पड़ा हुआ,
रेड स्टोन बहुत सारे हैं पर मैं तोड़ा नहीं है क्योंकि ओ भाई मेरे किसी काम का नहीं है ना। पागल आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, कहीं घर पे ले जाके कुछ ठिकाने ना लगा दे ये भाई हमको। देखो डायमंड्स। घर पे ले जाके बोले आ जाओ, तुम्हारा तुम्हारा स्वागत है। ओ भाई पूरा एकदम उठाओ खतरनाक माइनिंग कर रहा है भाई कती। और भी डायमंड होंगे ये रहे ना। टॉर्च वॉर्च तोड़ दी मैंने, लग रहा था इतने कम डायमंड होंगे। ओ भाई मेरे सारे टूल्स एकदम कबाड़ा रखा है टूल्स का। एक और जगह पे डायमंड रखे हैं मैंने शायद से, पता नहीं कहीं हो गया हो फिर से बर्बाद हो जाएगा। अरे तो नहीं जाना हैंग कर जाना। ये देखो और डायमंड्स, इतने डायमंड मैं मेरे को तो स्टार्टिंग के जो डायमंड मिले थे मैं तो वही माइन करके खुश हो गया। तुमने तो पूरी लंबी माइनिंग कर रखी है कती, पूरी ग्राइंडिंग की है रात पर बैठ के। इतनी ग्राइंडिंग कर रखी है कि आयरन का आर्मर भी उधार पे मांगना पड़ रहा है। आयरन मिल ही नहीं रहा, डायमंड नहीं मिल रहा है बस। ओ भाई ओ मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ रास्ता किधर है। सॉरी इधर नहीं है, यहाँ पे तो पूरा इतने दिन से माइनिंग कर रहा था भाई। तो लावा वावा बना रखा पूरा, लावा का इस साइड इस साइड आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ वहाँ पे लावा लेने के लिए। वहाँ पे फंस गया था मैं, ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया था मेरे को वहाँ पे। भाई पूरा अंधेरा कैसे कर रखा तुमने, टॉर्च वॉर्च नहीं लगा रहे क्या कहती, गरीबी आ रखी है। कोल भी कम मिल रहे, कुछ मिलता ही नहीं है यहाँ पे, तो बेकार था माइन। तू आगे जा रहा है भाई, आपकी माइनिंग में आपसे आगे जाने की कुछ ताल ही ना करें, कहीं आगे ट्रैप रैप बना रखा हो हमको, रहिए पे लपेट लो रास्ते में। ज्यादा आगे नहीं जाना भाई। भाई भाई इतनी प्रीमियम सीढ़ी चढ़ के तो मजा आ गया भाई। मेरा पूरा घर खाली पड़ा है, बस ऐसे ही बना रखा है मैंने। ओ भाई ये रहा, ओ भाई ये हमारा सस्ता बंगला है। ओ ब्लू ब्लू गेमर का घर भाई, ये सही सही सही, सही बताना है, ये वाला बेड जो चोरी करके लगाया ना यहाँ पे? नहीं चोरी करके लगाया है, हाँ विलेजर का बेड है वो। भाई भाई यहाँ पे 16 16 ऑब्सीडियन धर रखे भाई, एक स्टैक से ज्यादा लैपिस है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, ऊपर का तो पूरा खाली कर रखा है, वहाँ पे मैं सामान रखूंगा जब मेरे पास ज्यादा सामान होगा, अभी तो मैं नीचे का डस्ट भी नहीं भरा भाई। कसम अपने वर्ल्ड में पहली बार विलेज देखा। अरे देखो वहाँ पे आयरन गोलम भी है, उसको मारना मत, अभी मैंने विलेजर की प्रोटेक्शन के लिए उसको छोड़ रखा है। अरे विलेजर की प्रोटेक्शन ये नहीं कर पाएगा, ये नल्ला आदमी है ये। ये देखो देखो बस चले जा रहा सीधा सीधा। आयरन गोलम को तेरे पीछे भेज दो। ये क्या भेज रहा है विलेजर भाई, कहाँ गए इतना? बस ये तो अभी आर्मरर भी है हमारे विलेज में। ओ ये तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं, ये तो किसी और बायोम का है, एक रेयर बायोम का लग रहा है बहुत। ये देखो क्लैरिक, ये तो सस्ती बायोम के बंदे हैं ये तो। है? सस्ते बायोम वाले बंदे हैं। देखो यहाँ पे घर है, यहाँ पे किधर इस बंदे ने बहुत तगड़े तरीके से घर बनाया है, इसके ऊपर कोई टेंशन ही नहीं है। देखो पहाड़ में पहाड़ के अंदर खोद के जिंदा घर गाड़ दिया, और इधर कुछ स्टोन है इसके बाजू में, खिड़कियों को लगाई इसने, पागल है गई। वह कौन सा व्यू ले रहा है ये बंदा यहाँ से, क्या क्या दिख रहा है इसे? मेरे को लगता पार भी निकल नहीं पा रहा, मेरे को लगता है माइनक्राफ्ट वालों ने इसके साथ स्कैम कर दिए, पैसे लेके सस्ते घर में पहुंचा दिया, सस्ते घर भेज दिया इसको। पर इसका घर बहुत मजबूत बना है यहाँ जमीन में डाल के, किसी दिन ऊपर से पहाड़ का कुछ गिरेगा, पहाड़ गिर गया तो उसकी जिम्मेदारी बोलेगा, दब जाएगा यहीं पे। ओए विलेजर, ओए विलेजर, ओए घुस गया अंदर, रात हो गई, ब्लास्ट पड़ने रखा है यहाँ पे। बढ़िया भाई,
मेरे को दो चार विलेजर यहाँ से किडनैप करने पड़ेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ से, क्योंकि मेरे विलेज मेरे मेरे उधर जहाँ पे भी मैंने बनाया है वहाँ पे विलेज नहीं है आसपास। यहीं पे ट्रेड फार्म बना देते हैं ना, वो तो आगे जाके बनाएंगे ना ट्रेड फार्म, अभी मेरे को फिलहाल के लिए दो विलेजर दिख। अरे उधर का एरिया काफी ज्यादा प्लेन है, विलेज से अलग रहता है ना घर, तो बढ़िया लगता है। क्या बढ़िया लगता है, मेरा भी तो अलग ही है विलेज से। हाँ बहुत ज्यादा अलग है भाई, विलेजर का चोरी करके सामान लगाया हो तो किसी भी एंगल से लगता नहीं है विलेजर का जैसा सेम टू सेम घर। हाँ तो चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, तुम्हारी डायमंड माइन कर देता हूँ, मैं आ जाऊँ फॉर्च्यून सीरीज से। अभी जाओ मेरे को दिखाओ, मैं माइन करना चाहता हूँ। अभी अभी कहाँ गई माइनिंग तुम्हारी? खुद ही भूल गया, अभी इतनी जल्दी तो लाया था। अरे भाई भाई क्या करूँ, देखो यहाँ पर है माइन। चलो भाई डायमंड बहुत अंदर है, वापस जाना पड़ेगा फिर तो। अभी क्या करना है? अरे कहाँ देख रहे हो? बोले आ गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो चलते हैं फिर नेदर एक्सप्लोर करने के लिए, मैंने नेदर पोर्टल बना ही रखा है। मेरे पास भी ऑब्सीडियन है। अरे तो नेदर पोर्टल बना रखा ना, इतना मेहनत करके नेदर पोर्टल बनाया, देखा नहीं क्या तुमने? हाँ देखा था। इधर जाना है, इधर इधर उधर लावा है, गिरता होगा। चलो भाई तुमसे ज्यादा तो भाई मैं जा रहा हूँ इस महीने के अंदर, मेरा फूड खत्म हो गया। अरे फूड की दिक्कत ना है भाई, फूड ले लो। अरे सारा गिरा दिया। अरे 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 भाई आधा दे दो, गरीब हो गए हम। अरे आधे के नाम पे पूरा हो गया। चलो रानी कितना गिराया मैंने, कितना है तुम्हारे पास? 29 है मेरे पास। मेरे पास भी 29 है, एकदम एग्जैक्ट। और खुद को ही नहीं पता मेरे को ये रड़ा। ये लो मेरी फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स से माइन कर लो। मैं रख लेता हूँ हमेशा के लिए। अरे नहीं नहीं ये मत करो भाई। चलो मेरे पास अभी है 8 डायमंड, कितना मिला पता नहीं। एक एक ही मिलेगा, ये चाइना का फॉर्च्यून है। एक तुम्हारे पास गया था ऐसे। एक नहीं आया मेरे पास, 4 आ गए। मेरे पास 2 ही डायमंड आया जब मैं तोड़ा, और जो जो ये चाइना का फॉर्च्यून है, थोड़ा देर में काम करता है। अच्छा अभी मेरे को दिया स्टार्टिंग की ओर माइनिंग करने पे एक एक ही देता है। अरे मेरे को आर्मर बनाना है, मेरे को डायमंड देना थोड़े से। अरे मैं बस जूते बना के दे दूंगा तुमको, इतना तो चलता है भाई। ये रहा फॉर्च्यून का कमाल। ओए कितने हो रहे इधर, कितने हो रहे इधर? 4 थे इधर, और सबसे बहुत ज्यादा मिला 21 हो गए। हो सीधा 21, 10 थे और इससे 11 मिल गया मेरे को 4 से। चलो भाई और ये रहा, ये सब ज्यादा इसमें लग काम कर गया तो यहाँ पे 50-60 हो ही जाएंगे। यहाँ पे मेरे को 6 दिख रहे हैं। ओए कितने मिल रहे हैं यहाँ पे? 21 थे तुम्हारे पास, 32 हो गए। ओ भाई आ जाओ मेरे घर, आर्मर तो बन जाएगा, ऊपर से पिकेक्स भी बन जाएगा। वो डायमंड अपने पास ही रख लो, मेरे घर पे आ जाओ सीधा। अबे मेरी पिकेक्स वापिस कर दो तुम, घर पे जाके ले लेना। ओ भाई 32 में तो भाई बहुत आर्मर बन जाएगा, बढ़िया। क्या बोल रहे, समझ नहीं आ रहा। 32 डायमंड में तो बहुत तगड़ा आर्मर बन जाएगा। अरे गोल्ड माइन कर लो, ये गोल्ड माइन करो, इधर आओ। इस गोल्ड में कुछ नहीं लगा, नीचे लावा तो नहीं है ना, मैं गिर जाऊंगा अंदर। कितना मिला? ये डायमंड की पिकेक्स है। अरे हाँ मेरे को लगा अभी तक आयरन की। अरे अरे मेरे को भी ले रहे हो लपेटे में। बेडरॉक तोड़ लो, बंद कर दो, बंद कर दो। 14 गोल्ड और कहाँ है तुम्हारा घर? इतनी देर आया ही नहीं। अरे तुम भग भी गए,
यहाँ से यहाँ मुड़ना है, यहाँ से इतना टेढ़ी मेढ़ी माइनिंग करके आया हूँ मैं। हर जगह पे लावा ही लावा निकल जाता है भाई माइनिंग में। यहाँ पे तुमने भी डायमंड खोद होंगे यहाँ पे। हाँ यहाँ से पिछले पे माइन कर लिया था मैंने अभी थोड़ी, ये तभी तो डायमंड का आर्मर बनाया था मैंने। और रात हो रही है बाहर तो जाके सो जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाएंगे भाई, क्या दिक्कत है। ज़ॉम्बी अटैक रात नहीं हो रही, मतलब सुबह ही हो रही होगी क्योंकि ऊपर वो पत्थर लगा हुआ है, तो मेरे को लगा कि रात हो रही है। चलो चलो रे मितवा, इन ऊंची नीची राहों पर। यहाँ पे स्टेयर्स लगा दो, बहुत स्पीड में ऊपर नीचे होगा। मैं भी लगाऊंगा, वो तो टाइम माइनिंग कर रहा था ना, बाद में लगाने का प्लान था। आ जाओ, रात हो रही है सेम है। तो इतना दूर से ट्रैवल करके आएंगे, रात नहीं होगी तो क्या होगा। खाना खा लो पहले। ओ पीछे भाई भूत सारे के सारे यही जमा हो रखे हैं, भाग भी नहीं पा रहा स्पीड में। कैसे जाऊं अंदर? अरे गेट बंद हो गया, सॉरी लग गई। मैं तो गेट खोल रहा था, वो मैं ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पे पैरट भी है, तोता पाल रखा है, डायमंड का आर्मर यही बना देता हूँ मैं, इंचेंट भी करके जाऊंगा। हाँ बना ले भाई, मैंने बना लिए बूट, बना लिए मैंने। हाँ एक डायमंड चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ। तो प्रोटेक्शन 3 मिल रहा है मेरे को, मेरे को चाहिए, पर मेरे पास एक्सपी नहीं है। एक्सपी चाहिए 28 एक्सपी है मेरा, 28 एक्सपी चाहिए मेरे को। तुम्हारे पास कितने डायमंड है? हाँ बस आर्मर बन गया और एक डायमंड बच गया मेरे पास। मेरा सारे डायमंड खर्च कर दिया अपने ऊपर। पिकैक्स दे दो भाई मेरी। हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये लो। कहाँ गया? अरे ऊपर पड़ गया, ये रहा सामने पड़ा हुआ है। आ जाओ एक सेल्फी ले लेते हैं, आ जाओ यहाँ पे घर पे एक सेल्फी ले लेते हैं भाई। मैं थोड़ा आगे आ जा। अरे रुक जा यार। आर्मर उतार देता हूँ, रुक जा, जब आएगा ना मत भाई आर्मर। आइए चलो गाइस, आज का आउट्रो हमारे ब्लू गेमर भाई करेंगे। मैं नहीं कर सकता, तुम ही करो आउट्रो। तो गाइस आउट्रो बहुत बेकार है। गाइस हमारा वर्ल्ड मिक्स हो चुका है और आगे के एपिसोड में हम और ज्यादा मस्ती करने वाले हैं, मतलब आगे खतरनाक कर देंगे पूरे वर्ल्ड को। एपिसोड में नजर में जाने वाले गाइस, लाइक कर दो अभी। हाँ तो 1 लाइक इक्वल टू नेदर में जाने वाले हैं और देखते हैं उधर कैसा सर्वाइव। 1 लाइक इक्वल टू नेदर में एक मौत। नेदर में देखते हैं क्या होता है। तो सब्सक्राइब कर ले हमारे ब्लू गेमर भाई के चैनल को भी। ये भाई एक लाइक कर दो मेरे लिए भाई, ये बहुत अमीर इंसान है, इसके हाथ में देखो एक पिकैक्स से चमकती हुई। इसके पास गोल्डन क्राउन भी है। अरे भाई रुको रुको, आउट्रो करने दो ढंग से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे फ्रेम में क्रीपर भी आ रहा है, उसको भी ले लेता हूँ। हाँ मेरे फ्रेम में भी आ रहा है, मैं उस पे ध्यान दे रहा हूँ बहुत देर से। क्रीपर को लैब, नीचे पैरट भी आ रहा है, वो तो खिड़की से देख रहे। चलो भाई अगले एपिसोड में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।